जिला उपायुक्त फरीदाबाद के आदेशों के बाद आज रविवार को शहर के सभी बाजार बंद नजर आए। देर शाम को आए आदेश को समाजसेवी बाबा राम केवल ने तुगलकी फरमान बताया, क्योंकि इस आदेश में बाजार बंद करने का कोई भी कारण नहीं दिया गया, ना ही कोरोना गाइडलाइन में रविवार को बाजार बंद करने का जिक्र है। ऐसे में अचानक से बाजार बंद करना आम लोगों और व्यापारियों के लिए परेशानी का सबब बन गया, क्योंकि रविवार के दिन ही आम लोगों की छुट्टी होती है, जिससे वे रविवार के दिन ही बाजार में खरीदारी करने के लिए निकलते हैं। आम लोगों का कहना है कि उन्हें आज बाजार बंद होने की कोई सूचना नहीं थी, वह तो बहुत दूर से सामान खरीदने आए हैं, मगर बाजार बंद होने के चलते अब उन्हें बिना सामान खरीदे ही घर वापस लौटना पड़ेगा। मैं बच्चे के कपड़े लेने आई थी, जैसे लगता हर रोज संडे को बाजार, हमने सोचा लग रहा होगा बाजार, मैं कहा चलो खरीदारी कर लाते, लेकिन यहाँ का देखा तो बंद पड़ी है सारी दुकानें। अब बताओ संडे को कहाँ से लाएं बच्चे इनको कपड़े। तो आपको जानकारी थी क्या? जानकारी नहीं थी ना, हमने तो सोचे खुल रहा सारा, खुल गया तो हमने भी सोचे खुल गया होगा बाजार, हम भी चलें। वहाँ से वहाँ तक आई हूँ, अम्बेडकर चौक से वहाँ से वहाँ तक आई हूँ, घूमती कहीं भी नहीं खुल रहा। वहीं दुकानदारों की माने तो उनके पास भी बाजार बंद करने का कोई आदेश नहीं था, उन्हें तो सुबह दुकान खोलते वक्त ही पता चला कि आज पूरे शहर के बाजार बंद हैं। ऐसे में आज के दिन बाजार बंद होना उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। जी, सबसे बड़ी बात तो ये है, देखा जाए तो बाजार खुल रखी है संडे को, और थोड़ा सा दुकानदारों को भी डिस्टेंस रखना चाहिए, सैनिटाइज रखना चाहिए, इसे बंद करने से तो नुकसान है, क्योंकि लड़कों की पैसे भी देने होते हैं, तनख्वाह उनकी पैसे देने, तनख्वाह भी देनी पड़ती है, अगर दुकान खुलेगी तो कुछ बचेंगे, खर्चा चलेगा, तो हमें मालूम है इस वक्त कितना मजबूरी हो रही है हमारे साथ। अच्छा, क्या आपको पता था कि आज दुकानें बंद होने के ऑर्डर आएंगे शाम को देर रात? नहीं, सुबह तक मालूम नहीं था कि आएंगे, लेकिन जब सुबह आए तो पुलिस वाले आए, उन्होंने बंद करा दिया बाजार, हमने भी फिर बंद कर दी, सबने बंद कर दी। वहीं देर शाम को अचानक से आए जिला उपायुक्त के आदेश को समाजसेवी बाबा राम केवल ने तुगलकी फरमान बताते हुए कहा कि बिना किसी वजह के और बिना किसी नोटिस के बाजार बंद करना आम जनता और व्यापारी वर्ग के ऊपर नुकसान थोपना है, उन्हें परेशान करना है। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, हरियाणा सरकार और माननीय डीसी साहब फरीदाबाद, जो आज छुट्टी का दिन आप लोगों ने घोषित किया, कल एक फरमान जारी कर दिया कि इतवार को छुट्टी रहेगी, लेकिन बिना किसी कारण के आपने देर शाम को नोटिस जारी किया, तो कारण तो कुछ पता होना चाहिए, ये कोई कारण नहीं है, ये तुगलकी फरमान समझा जा रहा है इसको, और क्यों ना समझे, आम व्यापारी जो संडे के दिन कुछ दो रुपए कमा सकता है या जो बाज़ार करना चाहता है बाज़ार जा सकता है, तो उसके लिए आपने एकदम पाबंदी लगा दी। कारण तो बताएं कम से कम, अगर कारण पता नहीं होगा सही से तो कैसे वो चलेगा। ये इसको तुगलकी फरमान माना जा रहा है और हम भी मानते हैं कि तुगलकी फरमान है। इस तरह की अवधारणाओं को वो स्थापित करना ये गलत है। फरीदाबाद के जिला उपायुक्त यशपाल यादव के बिना किसी कारण के बीती शाम दिए गए बाजार बंद करने के आदेश से न केवल ग्राहक, व्यापारी और आम लोग परेशान हैं, बल्कि उन्होंने इसे तुगलकी फरमान बताया है। और सबसे बड़ी बात कि जिला उपायुक्त ने अपने आदेश में बाजार बंद करने की कोई वजह भी नहीं बताई है। यही वजह है कि उपायुक्त के फैसले के खिलाफ आम लोगों और व्यापारियों में रोष है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।